हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके चैनल अभी अपडेट में। फ्रेंड हम आ चुके हैं आप सभी के साथ इंपॉर्टेंट वीडियो में। फ्रेंड इस वीडियो में बात करेंगे आप सभी का। फ्रेंड जैसा आप सभी को मालूम है, कल आप लोग का पेपर है, उसके रिगार्डिंग हम आ चुके हैं आप सभी के साथ डिस्कस करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी स्टूडेंट्स में प्रिपेयर कर रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट्स, उन सभी का कल एग्जामिनेशन है। तो फ्रेंड हम आ चुके हैं आप सभी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट MCQs लेकर। मैथ्स का आपका पेपर है फ्रेंड, आप जो भी स्टूडेंट्स ने बेसिक लेकर रखा या फिर स्टैंडर्ड मैथ्स लेकर, सब लोग स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है फ्रेंड। इंपॉर्टेंट MCQs हम लोग डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ मैथ्स के पेपर के रिगार्डिंग। जो भी स्टूडेंट्स क्लास 10th के कल एग्जामिनेशन है आप सभी का, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो आप सभी के चैप्टर्स को कंटिन्यू और कवर करेगा। और ये सारे एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट MCQs है फ्रेंड, आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आई होप सो ये सारे क्वेश्चंस आप सभी के एग्जामिनेशन में कुछ इसी तरीके से पूछे जा सकते हैं। कल आप लोग का फ्रेंड 12th मार्च है और कल आप लोग का पेपर है, तो फ्रेंड इस वीडियो के अंत तक देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली ये वीडियो, जिसमें आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिगार्डिंग MCQs जो भी हैं आप सभी के साथ डिस्कस हम करेंगे इस वीडियो में। फ्रेंड मैं आपको बता दूँ, हैश पार्ट ये 1 है और हैश पार्ट 2 जस्ट कुछ देर बाद हम रिलीज करेंगे, जिसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि फ्रेंड इस चैप्टर फ्रेंड इस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ, आपका टोटल 15 चैप्टर्स आपके मैथ्स के बुक में, तो टोटल हम लोगों ने 1 से 7 चैप्टर्स तक के जो क्वेश्चंस हैं जो MCQs बेसिस के, वो सारे इस हैश पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और हैश पार्ट 2 में हम लोग चैप्टर 8 से 15 तक के चैप्टर्स उसमें डिस्कस करेंगे। तो फिर इस वीडियो के अंत तक आप जरूर देखिएगा, इसमें काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आपके ये वीडियो। फिर आगे बढ़ने से पहले, अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे अपने चैनल अभी अपडेट पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल का आइकन क्लिक कर दीजिएगा। यह चैनल आप सभी के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट यूजफुल वीडियोस लाता रहता है। फ्रेंड साथ साथ हम बात करें आप सभी को, अब आपका जो कल एग्जामिनेशन हो उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट जो सॉल्यूशंस होंगे क्वेश्चंस के आपके जो भी होंगे, वो सारे के सॉल्यूशंस भी सबसे पहले हमारे चैनल पे आपको मिलेंगे। तो चलते हैं फिर इंपॉर्टेंट MCQs आज देख लेते हैं, आप सभी उस समय प्रिपेयर करो, तो इंपॉर्टेंट MCQs को जल्दी से देख लेते हैं आप सभी के साथ। फिर चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पे एंड तक देखिएगा, आपको MCQs के आंसर्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा। यहाँ पे जो सीबीएसई बोर्ड फ्रेंड थोड़ा सा मैंने आपको टाइप किया नहीं करा पाया, मैं आपसे लिख के मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके क्वेश्चंस को। जो फर्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं फ्रेंड, सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे कहता है फ्रेंड, ये है आपका, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स पी एंड क्यू कैन बी एक्सप्रेस एज पी इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर एंड क्यू इज इक्वल्स टू ए क्यू बी, देन ए कॉमा बी ए बींग अ प्राइम नंबर, देन एलसीएम पी कॉमा क्यू इज। फ्रेंड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये फ्रेंड आप सभी को, आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपके पास में 3 सेकंड का आपको टाइम देता फ्रेंड, आप जल्दी बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू फ्रेंड, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप जस्ट टाइप कर दीजिए क्या इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड, इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए क्यू बी स्क्वायर। फ्रेंड ये इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आपने आंसर सही मार्क किया होगा। फ्रेंड अगर आपको क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम होती है, अगर वो समझ में नहीं आता, तो जस्ट आप हमें कमेंट कर दिएगा, आपको हम रिप्लाई पॉसिबल तो रिप्लाई करके या फिर सेपरेट वीडियो बनाकर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करा देंगे और समझा देंगे। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो सेकंड इंपॉर्टेंट MCQ है जो इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, वो है आपका, द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर आर व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर्स ए इज डिवाइडेड बाय 3 आर। तो फिर इसका जो करेक्ट आंसर फिर ऑप्शन देख सकते हैं आपको यहाँ पे दिया गया, ए इज इक्वल्स ए की जगह फिर आपको ऑप्शन दिया यहाँ पे ए में आपको 0, 1, 2, 3 एंड बी ऑप्शन है 0, 1, सी ऑप्शन है 0, 1, 2 एंड डी ऑप्शन है 2, 3, 4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या फ्रेंड, जस्ट आप कमेंट कर दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है, 0, 1, 2 इसका करेक्ट आंसर है। फ्रेंड मूव करते हैं फर्दर्स क्वेश्चन की तरफ, जो आपका थर्ड क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, वो है आपका, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर 1, 2 एंड 10। फ्रेंड यहाँ पे ये 10 लिखा गया, थोड़ा सा मिसप्रिंट आप देख सकते हैं, फिर ये 1, 2, 10 है, पिक्चर क्लिक करना थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। फिर यहाँ पे 1, 2, 10 है आपका, यहाँ पे बोथ इंक्लूजन इज, तो द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव इज, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। फ्रेंड ऑप्शन दिए गए आपको 10, 100, 260,
2520। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड, आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इसका आंसर आप जस्ट बता दीजिए, कमेंट कर दिए फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा आपका 2520, इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। तो थ्री क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड, फोर्थ क्वेश्चन पे आ चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहता है द लार्जेस्ट नंबर विच इज डिवाइड्स 70 and 125 लिविंग रिमाइंडर 5 and 8 फ्रेंड, यहाँ पे 8 है, 5 and 8 रिस्पेक्टिवली इज। ऑप्शन दिए गए फ्रेंड यहाँ पे 13, बी ऑप्शन है 65, सी ऑप्शन है यहाँ पे 875 एंड डी ऑप्शन है 1750। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फोर्थ क्वेश्चन का फ्रेंड वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट है 13, इसका करेक्ट आंसर होंगे फ्रेंड। चलते फ्रेंड आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ क्वेश्चन। यहाँ पे फ्रेंड यहाँ पर मैं फिर से बता दूँ फ्रेंड, यहाँ पे मैं आप सभी के साथ ये हैश पार्ट वन है, यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट से लेकर 7 तक के इम्पॉर्टेंट MCQs डिस्कस कर रहे हैं हम फ्रेंड। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट MCQs जो इम्पॉर्टेंट हैं, और फ्रेंड हैश पार्ट टू भी हम लोग बहुत ही जल्द ला रहे क्योंकि आपका कल ही पेपर है, तो जस्ट मैं शाम तक अपलोड कर दूँगा हैश पार्ट टू, जिसमें और फ्रेंड इम्पॉर्टेंट MCQs जो होंगे आप सभी के साथ, उसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 से चैप्टर 15 तक। तो फ्रेंड प्लीज़ इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स को हेल्प होनी चाहिए, सबको ये वीडियो पहुंच जाए। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिए फ्रेंड। इंपॉर्टेंट MCQs हम आपसे आगे डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड। चलते हैं आपके लिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग अ जीरोज एज -2 and 5 इज। ऑप्शन दिए गए फ्रेंड यहाँ पे, ए ऑप्शन है यहाँ पे 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3 एंड डी ऑप्शन है मोर देन 3। तो फिफ्थ क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर फ्रेंड आपका होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर मोर देन 3, इसका राइट आंसर फ्रेंड। सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड। सिक्स्थ क्वेश्चन आपका बोला गया यहाँ पे द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स x+1 × x²−x − x⁴+1 इज। तो ऑप्शन दिए गए फ्रेंड यहाँ पे, ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4 एंड 5 ऑप्शन है डी ऑप्शन है फ्रेंड 5। तो इसका सिक्स क्वेश्चन जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर फ्रेंड। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है, 5 इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड। उम्मीद करते हैं भी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, डिग्री आपको बताए थे पॉलिनोमियल्स प्रोडक्ट करके आप निकाल सकते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं फ्रेंड। तो सेवन्थ क्वेश्चन आपका बोला गया फ्रेंड यहाँ पे इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल x³+a²+bx+c इज अ -1 देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोस इज। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे दिए गए हैं आपको, ऑप्शन नंबर ए है आपका यहाँ पे b-a+1, बी ऑप्शन है फ्रेंड b-a-1, सी ऑप्शन है फ्रेंड यहाँ पे a-b+1 एंड डी ऑप्शन है फ्रेंड यहाँ पे a-b-1। तो फ्रेंड आपको क्वेश्चन सेवन समझ में आ रहा होगा, आई होप सो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड आपका क्वेश्चन नंबर सेवन का वो ऑप्शन नंबर ए राइट है, यहाँ पे b-a+1। आपको फ्रेंड फिर से कहते हैं कोई डाउट होता आप जस्ट कमेंट कर दिए, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। मूव करते हैं एट्थ क्वेश्चन की तरफ। एट्थ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपका है द वैल्यूज ऑफ p for which the polynomials x³+4x²-px+8 is exactly divisible by x-2 is। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड आप बताइए क्या होगा, समझ जस्ट कमेंट कर दिए फ्रेंड। आपका ऑप्शन यहाँ पे दिए गए आप देख सकते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पे 0, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन यहाँ पे 5, डी ऑप्शन है 16। इसका जो करेक्ट आंसर ऑफ एंड एट्थ क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर डी राइट है फ्रेंड, यहाँ पे 16 इसका राइट आंसर है फ्रेंड। मूव करते हैं फ्रेंड फर्दर्स क्वेश्चन की तरफ। नाइन्थ क्वेश्चन पे आ चुके हैं। नाइन्थ क्वेश्चन फ्रेंड यहाँ पे तो सर आपको इमेज में तो आपको क्लियर नहीं हो, मैं आपको रीड कर देता हूँ क्वेश्चन। नाइन्थ आपका यहाँ पे क्या फ्रेंड क्लियरली आप सुन लीजिएगा फ्रेंड, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन तो। ग्राफिकली द पेयर्स ऑफ इक्वेशन, तो पेयर्स की जो इक्वेशन दिए गए फ्रेंड वो आपके ये दिए गए यहाँ पे (6x-3y+10) इज इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है आपका यहाँ पे (2x-y+9) इज इक्वल्स टू 0। फिर इसके जो आपको क्या करना है फिर रिप्रेजेंट टू लाइंस विच आर,
तो जो दो लाइंस जो इक्वेशन दिए गए उनको आपको सॉल्व करना, फाइंड आउट करना है आपको। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं आपको, जो इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली एट वन पॉइंट, जो दोनों जो इक्वेशन दिए जो पेयर्स आपके हैं क्या एग्जैक्ट इंटरसेक्ट कर रहे हैं एग्जैक्टली वन पॉइंट पे। ऑप्शन नंबर बी है आपका इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली टू पॉइंट्स, एंड ऑप्शन नंबर सी है आपका कोइंसिडेंट है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है पैरेलल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आप जस्ट कमेंट कर दिए, नाइन्थ क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर डी पैरेलल है, ऑल आर पैरेलल, पैरेलल इसका राइट आंसर है। आई होप सो क्वेश्चन नंबर टेंथ भी नाइन्थ आपको समझ में आ गया। और टेंथ क्वेश्चन को रीड करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ जो टेंथ क्वेश्चन आपको यहाँ बोला गया वो है आपका, इफ़ अ पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इज़ कंसिस्टेंट देन द लाइन विल बी, लाइन क्या होगी फिर यहाँ पे, ऑप्शन से आपको दिए गए यहाँ पे पैरेलल, ऑप्शन बी है ऑलवेज कोइंसिडेंट, सी ऑप्शन है फिर यहाँ पे इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, एंड ऑप्शन डी है यहाँ पे ऑलवेज इंटरसेक्टिंग। तो आप क्वेश्चन जो टेंथ है फ्रेंड इसका आप ऑप्शन जल्द बता दिए क्या, फिर से आपको रिपीट कर दो, ऑप्शन दिए गए यहाँ पे टेंथ क्वेश्चन के जो ऑप्शन है फिर यहाँ पे, फर्स्ट है आपका पैरेलल, बी ऑप्शन है फिर यहाँ पे ऑलवेज कोइंसिडेंट, सी ऑप्शन है यहाँ पे इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, डी ऑप्शन है यहाँ पे ऑलवेज इंटरसेक्टिंग। तो आप क्वेश्चन टेंथ के जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट है यहाँ पे इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट इसका राइट आंसर फ्रेंड। मूव करते हैं आपके इलेवंथ क्वेश्चन की तरफ, जो एलेवंथ क्वेश्चन आपको यहाँ पर बोला गया है वो है आपका यहाँ पे, इफ़ द लाइन गिवन बाय 3x + 2 KY इज इक्वल्स टू 2, जो सेकेंड लाइन दी गई है वो है आपकी यहाँ पे 2x + 5y + 1 इज इक्वल्स टू 0 आर पैरेलल देन वैल्यू ऑफ के इज़, तो यहाँ पे वैल्यू आपको फाइंड करनी है के की, के की क्या फाइंड करें, वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इस के की जो इक्वेशन में दिया गया फर्स्ट इक्वेशन है आपको यहाँ पे। तो फ्रेंड जो ऑप्शन थे आपके यहाँ पे हैं 5/4, बी ऑप्शन है आपका 2/5, सी ऑप्शन है फिर यहाँ पे 15/4, एंड डी ऑप्शन यहाँ पे 3/2। तो क्वेश्चन नंबर एलेवंथ का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड आप जस्ट बता दिए क्या होगा करेक्ट आंसर एलेवंथ का, जो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट है 15/4 राइट आंसर है। फ्रेंड मूव करते हैं ट्वेल्थ क्वेश्चन की, जब ट्वेल्थ आपका जो क्वेश्चन बोला गया वो है आपका यहाँ पे, टू नंबर्स आर गिवन इन द रेशियो 5:6, इफ़ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर द रेशियो बिकम्स 4:5, देन द नंबर्स आर। तो ट्वेल्थ क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो फिर आप बता दिए क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं आपको 40/42, ऑप्शन बी है आपको 42/48, सी ऑप्शन है यहाँ पे 40/48, एंड डी ऑप्शन है यहाँ पे 44/50। जो ट्वेल्थ क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर फ्रेंड, यहाँ पे ट्वेल्थ क्वेश्चन का राइट आंसर सी है 40/48 इसका राइट आंसर है। आई होप सो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। फिर से आपको बता दूं फ्रेंड जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे हैं जस्ट आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा अगर पॉसिबल हुआ तो, अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको यहाँ पर प्रेजेंट करा दूंगा, तो आपको क्वेश्चन ईजिली समझ में आ जाएंगे। 13th क्वेश्चन पे आ जाते हैं फ्रेंड, 13th क्वेश्चन आपका बोला गया है यहाँ पे वो है यहाँ पे फ्रेंड, मैं फिर से बता दूँ इंपॉर्टेंट MCQs हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, हैज पार्ट वन है, हैज पार्ट टू बहुत ही जल्द आने वाले हैं जिसमें हम लोग और भी इंपॉर्टेंट MCQs जो चैप्टर नंबर 7th तो फिर यहाँ पे कवर हो जाएगा, 8th चैप्टर टू 15th चैप्टर उसमें डिस्कस करेंगे, और 1 to 7 चैप्टर इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, 8 to 15 हैज पार्ट टू में डिस्कस करेंगे बहुत ही जल्द, उसको भी रिलीज हम कर देंगे आपके साथ। तो 13 क्वेश्चन आपको यहाँ पे बोला गया है, इक्वेशन x+1 ^2 - x² = 0 हैज अ ब्लैंक रियल रूट्स, तो रूट फाइंड करने रियल रूट्स कितने हो फिर आप बता दीजिए यहाँ पे, ऑप्शन ए है आपका 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन है यहाँ पे 3, एंड डी ऑप्शन है 4। तो 13 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 13, इस का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट है, 1 इसका राइट आंसर है, 1 रियल रूट्स होगा यहाँ पे। 14th क्वेश्चन पे आ चुके हैं फ्रेंड, 14th क्वेश्चन आपका बोला गया यहाँ पे, इफ़ 1 बाई टू इज़ अ रूट ऑफ इक्वेशन x² + kx - 5/4 इज इक्वल्स टू 0, देन वैल्यू ऑफ k इज़, जो ऑप्शन दिए अपन यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए है 2, बी ऑप्शन है -2, सी ऑप्शन है 3, एंड डी ऑप्शन है -3। तो 13th क्वेश्चन हो चुका है, 14th क्वेश्चन जो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे
ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे भी राइट है आपका, टू करेक्ट आंसर। और के की वैल्यू क्या होगी फ्रेंड, यहाँ पे टू होगी राइट आंसर। 15th क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 15th क्वेश्चन आपका बोला गया यहाँ पे, अ नेचुरल नंबर नंबर व्हेन अ इंक्रीज बाय 12 इक्वल्स 160 टाइम्स इट रेसिप्रोकल फाइंड द नंबर। तो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं फ्रेंड, यहाँ पे ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 4 एंड डी ऑप्शन है 7। तो 15th क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड 8 इसका राइट आंसर फ्रेंड। मूव करते हैं 16th क्वेश्चन की तरफ। जो 16th क्वेश्चन आपका बोला गया है वो है आपका, द प्रोडक्ट ऑफ टू सक्सेसिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 5 इज 300। द नंबर्स आर द प्रोडक्ट, जो टू सक्सेसिव इंटीग्रल मल्टीपल्स 5 इज 300 देन द नंबर्स आर। तो ऑप्शन आपके यहाँ पे है 25.30, बी ऑप्शन है 10.15, सी ऑप्शन है 30.35 एंड डी ऑप्शन है यहाँ पे 15.20। तो 16th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो फ्रेंड वो होगा, आप जस्ट बता दीजिए क्या करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड, आपको मैं बता देता हूँ। 16th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पे, जो 16th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, 15.20 इसका राइट आंसर होगा। आई होप सो आपको आंसर समझ में आ गए होंगे फ्रेंड। 15th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, आपने बताया इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी होगा, और 16th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 17th क्वेश्चन पे आ चुके हैं फ्रेंड। 17th क्वेश्चन आपका बोला गया यहाँ पे, द वैल्यूज ऑफ अंडर रूट फ्रेंड देख सकते हैं फ्रेंड, ये एग्जैक्टली इसी तरीके से अंडर रूट में करके आप पा सकते हैं, डबल अंडर रूट ट्रिपल अंडर रूट करके, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस 6 करके फ्रेंड इस तरीके से ऑन तक आ सकता है, या फिर 9 आ सकता है, कुछ भी नंबर आपको चेंज भी हो सकता है। तो फ्रेंड ये आपकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं 1 मार्क्स में फ्रेंड, पॉसिबल है एमसीक्यूज में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। डेफिनेटली आप बेसिक के हो या फिर स्टैंडर्ड के, जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो आना ही आना है 17th क्वेश्चन इस तरह का। तो 17th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा आपका, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट है, 3 इसका करेक्ट आंसर है। मूव करते हैं 18th क्वेश्चन की तरफ। जो 18th क्वेश्चन आपका बोला गया वो है आपका, इन एन ए पी इफ अ इज इक्वल्स टू 3.5, डी इज इक्वल्स टू 0, देन 100 एंड इज इक्वल्स टू क्या फ्रेंड 101, देन ए एन विल बी, ए एन यहाँ फाइंड करना फ्रेंड, ए एन का फॉर्मूला आता ही होगा आई होप सो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड वो क्या होगा, जस्ट आप कमेंट कर दीजिए 18th का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड, आप जस्ट कमेंट कर दीजिए 18th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 18th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर फ्रेंड, यहाँ पे राइट आंसर फ्रेंड 18th का क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर फ्रेंड वो आपका 3.5 है फ्रेंड, ये 3.5 है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, 3.5 इसका राइट आंसर है। मूव करते हैं फ्रेंड आपके 19th क्वेश्चन की तरफ। जो 19th क्वेश्चन है आपका, द 21st टर्म ऑफ एन ए पी हुज फर्स्ट टू टर्म्स आर -3 एंड 4 इज, तो फ्रेंड फाइंड आउट करना है 19th क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिए गए फ्रेंड, ए ऑप्शन है 17, बी ऑप्शन है 137, सी ऑप्शन है 143 एंड डी ऑप्शन है -143। तो 19th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 137, इट्स अ राइट आंसर। मूव करते हैं 20th क्वेश्चन की तरफ। जो 20th क्वेश्चन आपका बोला गया वो है आपका, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी इज 5 देन व्हाट इज ए -18 एंड ए -13। फिर आपको फाइंड करना है ए की वैल्यू कितने पे, फिर ए की वैल्यू ए 18 -13 आपको फाइंड करना है फ्रेंड यहाँ पे। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन 813 एंड माइनस क्या फ्रेंड, फिर से रिपीट कर दिया फ्रेंड यहाँ पे, 818 -13 फाइंड आउट करना है। ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 20, सी ऑप्शन है 25 एंड डी ऑप्शन है 30। तो 20th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड वो आप जस्ट कमेंट कर दीजिए, 20th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर फ्रेंड, 25 इसका राइट आंसर है। आई होप सो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, करेक्ट आंसर इसका 25 होगा। मूव करते हैं फ्रेंड 21st क्वेश्चन की तरफ। 21st क्वेश्चन आपका बोला गया यहाँ पे,
इफ द नंबर्स एन माइनस टू कॉमा फोर एन माइनस वन एंड फाइव एन प्लस टू आर इन ए पी देन द वैल्यूज ऑफ एन इज, ऑप्शन दिए गए फ्रेंड यहाँ पे ए ऑप्शन है वन, बी ऑप्शन है टू, सी ऑप्शन है माइनस वन, डी ऑप्शन इज माइनस टू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड, 21st क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड आप जस्ट कमेंट कर दीजिए। वैल्यू फाइंड करनी है एन की, तो एन इज क्या होगा फ्रेंड, एन इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर वन इज राइट आंसर। मूव करते 22nd क्वेश्चन की तरफ। जो 22nd क्वेश्चन आपका बोला गया है वो है आपका द लेंथ ऑफ एन डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द रोम्बस इज, ऑप्शन है यहाँ पे 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। सो 22nd क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड, 22nd क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 सेंटीमीटर इज अ राइट आंसर। आई होप सो क्वेश्चन 22nd भी समझ में आ गया होगा फ्रेंड। मूव करते 23rd क्वेश्चन फिर से आपको, 23rd क्वेश्चन से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं, जो भी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हूँ जस्ट आप कमेंट कर दीजिए, आपको रिप्लाई कर देंगे हम, और साथ साथ वीडियो को शेयर कर जैसे सारे स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाए। कल जैसे उनका पेपर है तो इम्पॉर्टेंट वीडियोस आप सभी के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर से बता दें एस पार्ट वन है और हैस पार्ट टू जल्द लाने वाले हैं, जिसमें और आपके नेक्स्ट आपके 8 to 15 चैप्टर्स तक के वहाँ पे MCQs को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 1 to 7 चैप्टर्स तक के MCQs डिस्कस कर रहे हैं, 8 to 15 हैस पार्ट टू में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड। 23rd क्वेश्चन आपका बोला गया यहाँ पे, एरियाज ऑफ अ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 36 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ दिस लार्जर ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज, ऑप्शन यहाँ पे ए ऑप्शन 12 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन 13 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन इज 14 सेंटीमीटर एंड डी ऑप्शन इज 15 सेंटीमीटर। तो आपका 23rd क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑफ एंड वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 12 सेंटीमीटर इज अ राइट आंसर। 24th क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे पूछा गया है, द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 2:3 इफ द एरियाज ऑफ अ स्मॉलर ट्राइंगल इज 48 सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ लार्जर ट्राइंगल इज 108 मीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन 107 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन है यहाँ पे 106 मीटर स्क्वायर एंड डी ऑप्शन है यहाँ पे 230 मीटर स्क्वायर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 24th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट है, 108 मीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 108 मीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड। मूव करते हैं 25th क्वेश्चन की तरफ। जो 25th क्वेश्चन आपका बोला गया है वो है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू द पॉइंट्स 2, -2 एंड बी है आपका यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो दिया गया -1, x इज 5 वाइल वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स इज, तो फिर यहाँ पे वैल्यू फाइंड करते हैं। बहुत सिंपल है, फिर एक्स जो यहाँ पे दिया गया है इस कॉर्डिनेट के वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वैल्यू ऑफ एक्स इज ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। फिर 25th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर फिर आप जस्ट कमेंट कर दीजिए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, 2 इसका करेक्ट आंसर है। वैल्यू क्या होगी एक्स की, वैल्यू ऑफ एक्स इज 2 राइट आंसर। 26th क्वेश्चन पे आज का 26th क्वेश्चन आपका कहता है यहाँ पे द पॉइंट ए, फिर दिया गया ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड, द पॉइंट ऑफ ए जो है आपका 9, 0, बी पॉइंट है आपका 9, 6, सी पॉइंट है आपका -9, 6 एंड डी पॉइंट है यहाँ पे -9, 0। तो आर द वर्टिसेस ऑफ अ, किसके वर्टिसेस हैं फाइंड आउट करने फ्रेंड आपको, तो इसका जो वर्टिसेस जो हैं आपके फ्रेंड ऑप्शन दिए गए हैं स्क्वायर के, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपीजियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा आपके ये है रेक्टेंगल के, वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल इज अ राइट आंसर, फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रेंड। मूव करते हैं 27th क्वेश्चन की तरफ। 27th क्वेश्चन आपका बोला गया यहाँ पे, द सर्कल ड्रॉन विथ इन द ओरिजिन एज अ सेंटर पासिस थ्रू द पॉइंट विच
डज नॉट लाई इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। दो ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड आप जस्ट बता दीजिए। 27th क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, 27th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट है। -6.5/2 इसका राइट आंसर फ्रेंड, -6.5/2 इसका राइट आंसर होगा। आई होप सो आपको 27 समझ में आ गया होगा। 28th क्वेश्चन पे आ चुके हैं फ्रेंड। 28th आपका जो क्वेश्चन बोलता है वो है द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 7, -6 एंड 3, 4 इन द रेशियो 1:2 इंटरनली लाई इन द, किस आपको इंटरनली लाई करें, किस क्वाड्रेंट में आपको फाइंड करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फिर इसका जो करेक्ट आंसर 28th का ऑप्शन नंबर डी आप जस्ट बता दीजिए है करेक्ट है, फोर्थ इसका राइट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये आपके लाई करेंगे दो पॉइंट्स। फ्रेंड आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम लोगों ने टोटल 28 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। ये सारे इम्पॉर्टेंट MCQs हैं आप सभी के लिए, जो कल आपके मैथ्स का एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली ये वीडियो। चाहे आपने बेसिक ले रखा हो, बेसिक के आप स्टूडेंट हो और आपने स्टैंडर्ड ले रखा हो, आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ इस वीडियो को मैक्सिमम फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिए। फ्रेंड ये #1 है जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आप सभी के साथ चैप्टर नंबर 1 से 1 to 7 चैप्टर्स, और #2 जल्द हम लाने वाले हैं इम्पॉर्टेंट MCQs का, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ 8 to 15 चैप्टर्स तक के इम्पॉर्टेंट MCQs आपके मैथ्स के कल के पेपर, जो आपका पेपर 12th मार्च को होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और फर्स्ट टाइम विजिट कर अपने चैनल अभी अपडेट पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ बेल का आइकन क्लिक कर दीजिए। इंपॉर्टेंट वीडियोस है, आप सभी को काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। फिर मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।